हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे काबुली चने के मोमोज। आप इसकी जगह पे आप कैबेज यूज करके भी बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर काबुली चना यूज किया है। मैंने पहले काबुली चना को 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, फिर 3 सीटी लगाकर इसको बॉईल कर लिया। जब ये ठंडे हो गए तो इसका पानी सारा निकाल के इसको मैंने हाथ से मसल लिया। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको छौंक देंगे। जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो काबुली चने डाल के इसको सौते करने के लिए रख लेंगे। जब तक हमारे ये सौते होता है तब हम मेहंदी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पूरी जैसा डो बना लेंगे और ढक के रख देंगे। अब हम प्याज डालेंगे इसके अंदर, काबुली चने के अंदर, और थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारा पूरन तैयार है। अब हम लोई, उसका आटे का लोई बनाकर ऐसे राउंड शेप में कट कर लेंगे और इसके अंदर ये फिलिंग भर के हमारे मोमोज तैयार करेंगे। अब हम स्टीमर में इसको रख के 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम करने के रख देंगे। अब हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं। इसको आप शेजवान चटनी या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।